मेरे प्रिय दोस्तों, आप सब कैसे हैं? स्वागत है आप सबका डेली हिंदी बाइबल चैनल पर। और ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर को अपनाकर भी ये जानकर कि यीशु मसीह ही उद्धार करता है, वही स्वर्ग जाने की कुंजी है, उसी के द्वारा हमारी मुक्ति है, ये सारी बातें जानते हुए भी अपने मसीही जीवन में वो परमेश्वर को छोड़ देते हैं, वो पीछे हट जाते हैं। ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि ये वीडियो उनके लिए एक चेतावनी भी हो सकती है, क्योंकि मैं उनके लिए कुछ वचन ढूंढ कर लाया हूँ कि उनको शायद इस बारे में पता चल जाए कि परमेश्वर को छोड़ने का अंजाम क्या होता है। तो आज हम ये सारी बातें एक ही पुस्तक से सीखेंगे और वो है इब्रानियों की पुस्तक। चलिए वक्त को जाया नहीं करते, पढ़ते हैं हमारे पहले वचन जो कि लिखा है इब्रानियों अध्याय 6 वचन 4 से लेकर 6 तक। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नए बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। क्या आपने ये पढ़ा? यहाँ साफ साफ लिखा है। देखिए, मैं नहीं चाहता कि आप ऐसी कोई गलती करें। मैं जानता हूँ कि संसार में हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, पर परमेश्वर कहते हैं कि स्थिर रहो और जानो कि मैं परमेश्वर हूँ, स्थिर रहो। वो हमें परेशानियों में भी स्थिर रहने को कहते हैं, क्योंकि इसलिए क्योंकि अगले ही क्षण में वो सब सही करने वाले होते हैं, पर हम परेशानी को छोड़ते ही नहीं। और जब हम पढ़ते हैं इब्रानियों अध्याय 10 वचन 26 से लेकर 31 तक, तो हम यहाँ पढ़ते हैं क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। सच्चाई की पहचान, यह बात बोली गई है, सच्चाई की पहचान यानी कि यीशु मसीह की पहचान, और सच है यीशु मसीह। तो दूसरे वचन में हम जब पढ़ते हैं, हाँ दंड का एक भयानक बाँट जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। ये हम सब जानते हैं कि किस बारे में बात हो रही है। जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला लूंगा, और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। देखो मेरे प्रिय दोस्तों, मैं आपको डरा नहीं रहा बल्कि परमेश्वर के सत्य को सामने ला रहा हूँ। हम ऐसा ही करते हैं, हम सोचते हैं कि हम पर मुसीबतें मसीह में आने के बाद ज़्यादा ही बढ़ जाती हैं, पर वो गलत है। क्योंकि जब हम मसीह में आते हैं तो हम संसार से अलग हो जाते हैं। हम पहले जो संसार में करते थे वो हम छोड़ देते हैं, तो इसलिए संसार हमसे बैर रखता है। ये बातें बाइबल में भी लिखी हैं, और परमेश्वर भी हमारी कभी कभी ताड़ना करते हैं क्योंकि हम गलतियाँ करते हैं। और इसके बारे में हम पढ़ते हैं इब्रानियों अध्याय 12 वचन 5 से लेकर 10 तक। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया,
तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहे जिससे हम जीवित हैं। आमीन। आप इसके बारे में अच्छे से वचन 13 तक भी पढ़ सकते हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो का मकसद यही था कि संसार की अभिलाषाओं में फंसकर या संसार के लोगों की बातों में फंसकर परमेश्वर को ना छोड़िए, क्योंकि वही जीवन है, सत्य है, मार्ग है। उसके अलावा और कोई परमेश्वर नहीं है। आप सबका शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने अपना कीमती समय दिया। मैं इसी तरह फिर लौटूंगा बाइबल की कुछ नई वीडियोस के साथ। तब तक आप लोग खुश रहें और सदा आनंदित रहें।